तो चलिए आज हम ये नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर्स दो कैटेगरी के होते हैं, एक रियल नंबर, दूसरे इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को टेंथ स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना है, हम रियल नंबर्स को देखते हैं। रियल नंबर्स में हमारी ये सारी कैटेगरीज लिखी हुई हैं, तो इन सारी कैटेगरीज के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कैटेगरी हमारी है प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं नंबर्स की, उन नंबर्स में हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स जिनसे हम वस्तुओं को काउंट करते हैं, वस्तुओं को गिनते हैं, वो नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट फिर आगे चलती रहती हैं। तो इसमें अगर हम सबसे छोटी नेचुरल नंबर्स के बारे में पूछे तो वो 1 होगी, और सबसे बड़ी नेचुरल नंबर है तो वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर पता नहीं है। जितने तक हम गिनते चले जाएंगे वैसे संख्याएं हमारी आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो हम सबसे बड़ी नेचुरल नंबर्स नहीं बता सकते। उसके बाद में हमारे आते हैं पूर्ण संख्याएँ यानी होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में क्या होता है, नेचुरल नंबर्स में बस जीरो ऐड कर देना होता है, वो होल नंबर्स हो जाते हैं। तो जीरो जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, लेकिन होल नंबर में काउंट किया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं, वो होल नंबर्स के अंदर आती हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में नहीं आती, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में यानी इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स जो दो से डिवाइड हो जाते हैं, दो से डिवाइड हो जाते हैं, वो बोले जाते हैं इवन नंबर्स। तो जनरली हम किसी इवन नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n से, वेयर n इज़ एनी नेचुरल नंबर। n क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। इस 2 की प्लेस पे हम कोई ऐसा कोई दूसरा इवन नंबर भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ठीक है, 6 ले सकते हैं, वो हमें क्या मिलेगा? एक इवन नंबर ही मिलेगा। इसके बाद इसमें एक और चीज़ ध्यान रखते हैं कि जितनी भी इवन नंबर्स होती हैं वो 2 के अंतर से चलती हैं, मतलब दो क्या नाम, दो क्रमागत सम संख्याओं यानी इवन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 रहता है, ठीक है। उसके बाद हम ऑड नंबर पढ़ते हैं। ऑड नंबर्स में ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, वो बोले जाते हैं ऑड नंबर्स, यानी विषम संख्याएं बोली जाती हैं। तो जनरली हम किसी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे करेंगे? 2n+1 से, या फिर an+1 से, वेयर ए इज एनी इवन नंबर। ये क्या होगा? कोई इवन नंबर होगा एंड एन इज़ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, एन इज़ एनी नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एक ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टू ऑड नंबर्स इज 2। तो इवन दो ऑड नंबर के बीच का जो डिफरेंस रहता है यानी कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत होने चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो 2 होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स ऐसे नंबर्स जो हमारे नेचुरल नंबर्स पीछे पड़ चुके थे, नेचुरल नंबर्स को जब हम पॉजिटिव निगेटिव ले लेते हैं तो वो हमारे इंटीजर बन जाते हैं, और इंटीजर में 0 भी इंक्लूड किया जाता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। निगेटिव इंटीजर्स अगर हम नेचुरल नंबर्स के आगे निगेटिव साइन लगा देते हैं, -1, -2, तो ये सब हमारे हो जाते हैं निगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक हो जाते हैं, ठीक है। आगे 0 की इंटीजर की बात करते हैं तो 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, यानी ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ठीक है। तो 0 को ना निगेटिव बोलते हैं ना ही पॉजिटिव बात करते हैं। रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, किसकी? p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं वो? रेशनल नंबर, वेयर p and q आर इंटीजर्स, ठीक है, जहाँ पर p और q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, लेकिन q जो होता है वो 0 के इक्वल
नहीं हो सकता, तो उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो इस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल 2 बाई 3, ये हमारा एक रेशनल नंबर हो गया, 3 बाई 5, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। यहाँ ध्यान रखते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर नेचुरल नंबर्स, सॉरी रेशनल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर कोई ऐसी संख्या जो रूट के अंदर आती है और उसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट आ जाता है, फिर रूट फोर का स्क्वायर रूट होगा 2, रूट 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, और इसका स्क्वायर रूट होगा यानी 16 का कितना, 4, तो ये सब क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। आगे इरेशनल नंबर की बात करते हैं, अगर इरेशनल नंबर्स को देखते हैं तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो हमारे बोले जाते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक। और इरेशनल नंबर्स में ध्यान रखना है किस टाइप के इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो इरेशनल नंबर्स केवल ऐसे ही नंबर्स होते हैं जिनमें जैसे √2, √3, √5, √6 जो स्क्वायर रूट के अंदर है, रूट के अंदर लिखे हों और उनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं आता, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो उसको हम उन्हें वही नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद पाई जो होता है वो भी हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद और एक और इसमें कैटेगरी होती है, एक ऐसा नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, जैसे 0.01001000001000001 एंड एटसेट्रा, ठीक। तो इस तरीके से ये चलता रहता है आगे, तो इस टाइप का कोई, इस कैटेगरी का कोई नंबर आता है वो भी हमारा इरेशनल की कैटेगरी में आता है। ध्यान रखना जो पाई की वैल्यू थी 22/7, ठीक है, ये एक रेशनल होती है, ठीक है, ये रेशनल होती है। 3.14 एक इसकी वैल्यू, और ये भी यूज़ की जाती है, ये भी रेशनल होती है, ठीक है। इसके बाद आगे प्राइम की बात करते हैं, प्राइम के बारे में देखते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो केवल केवल अपने से ही कटते हैं, मतलब खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है, जिनमें केवल केवल खुद से ही डिवीजन होता है, भाग होता है, ठीक है, डिवाइड होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं